एमएलसी में हमें बार बार बुलाया जाता है और आप लोगों में प्रेरणा का स्रोत बनके मैं अपने जोश और जज्बा देता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जिंदगी का उद्देश्य है कि परोपकार में लगना चाहिए। और आपका ये सौभाग्य है कि आप लोग कैसे प्रोफेशन में आए हैं जहाँ की आपको मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आप लोगों को जो भी हमारे पेशेंट मृत्यु के करीब आ गए हैं, तरह तरह की दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं, उनको कैसे बचाया जाए इसकी शिक्षा दी जा रही है। आप भले किसी बैकग्राउंड से हो लेकिन आपको पूरे मेडिकल साइंस पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप MBBS नहीं किए होंगे फिर भी आज उसके बहुत सारे अंश आपको पढ़ाए जा रहे हैं और आप एक मिनी डॉक्टर बन के यहाँ से जाएंगे। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इससे बड़ी जिंदगी में कोई दूसरा कार्य हो नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं किसी को जिंदगी देना, जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं तो प्रभु जन्म देता है नर नारी को पृथ्वी पर, लेकिन आप उसको जिंदगी देते हैं। जिंदगी देना सबसे बड़ी चीज़ है और इसके लिए पैसे पर मत बिकिए, पैसे के लिए आप लोग काम मत करिए। प्रेरणा और भावना हो, सहयोग की, सद्भावना की, मनुष्यता की, मनुष्यता के रूप में आप थोड़ा लोगों की सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पैसे बहुत नहीं आपको मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ कोई धंधा तो नहीं है, ये कोई बिजनेस यूनिट तो नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये तो आप जानते हो PPP है, पब्लिक पार्टनर पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जो प्राइवेट पार्टी है GBK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये दोनों सहयोग करके नागरिकों की सुरक्षा के लिए तरह तरह के परोपकार का काम करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फिलेंथ्रोपिक एक्ट बोलते हैं। तो फिलेंथ्रोपिक एक्ट से हम लोगों की जिंदगी बचाते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है ये सारे पैसे हमारे GBK फाउंडेशन से आपको आपके वेतन के रूप में मिलेंगे। तो अगर पैसे के लिए अगर काम करेंगे तो सच है कि आप खुश नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप में भावना हो, जैसे मेरे दिल में भावना है कि लोगों के काम आए, लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाए, क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य यही है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े फिलोसफर राजपाल विमर्शन थे जो आपको पहले बताया हूँ, उन्होंने पूछा कि जिंदगी का उद्देश्य क्या हो। उन्होंने यही बताया कि जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए कि केवल आप खुश मत रहिए, अपनी खुशी के लिए मत जिए, आप उपयोगी बनिए, यूजफुल, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, काइंड एंड कंपैशनेट, दयालु बनिए, करुणा में बनिए। और जिसको कि मैंने आपने मैथिली शरण गुप्त की इन कविताओं से बताया था, विशाल लोग की मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरु परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, मेरा स्मृत तो बिठा मरे बिठा जिए, मरा मैं वही जो ज्ञान आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चढ़े, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे दोस्तों, तो हमारे MLC डायरेक्टर डॉक्टर रमन राव हमेशा बोलते हैं कि जब भी हमारे बच्चों से मिलिए, बेटी और बेटों से, उनमें एक सेवा की भावना जरूर पैदा करिए, क्योंकि अगर वो पैसे गिनने शुरू करेंगे और पैसे के आधार पर सेवा देंगे तो तराजू बहुत हल्का हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी जोखिम में देके आप दूसरों की जिंदगी बचाते हो, रात दिन आप काम करते हैं, उसके अनुपात में पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जिस परिवार के सदस्य को आप जिंदगी देते हो, देखो परिवार कितना खुशहाल होता है। किसी किसी परिवार में एक उदाहरण लीजिए कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया, अगर वो मर रहा हो, हड्डी टूट चुके हैं, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, लेकिन अगर उसको आप बचा लेते हैं तो परिवार खुशहाल हो गया, नहीं तो कुछ परिवार को कौन देखे। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग सेवा की भावना से ज़्यादा काम करिए, बी ए पैशनेट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। पैसे तो ज़्यादा यहाँ नहीं मिलते हैं और कभी भी मैं पैसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, पैसे तो सबको चाहिए, पैसा कितना भी हो तो कम होता है मेरे दोस्तों। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो आप पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा खुशी हुई, एक योगी फकीर आया था, हमारी सेवा में अपनी जितनी भी ताकत थी लगा दी, कुछ ज्ञान की बातें बताया, कुछ जीवन में जीने के तरीके बताए, तो आपके ज़िंदगी में जो रोशनी आई उससे मुझे रोशनी ज़्यादा मिल रहा है, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ये सहानुभूति है, सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है ये,
ये सहानुभूति का कोई जवाब नहीं होता। और जो ऐसे लोग होते हैं तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। समझ आ पाए दोस्तों? इस सिलसिले में आपको एक और प्रेरणादायिनी एक सुना देता हूँ, आप लोग अच्छा सुनते। मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। आप लोग एमटी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हो, चिंता मत करो। सूरज ना बन पाए तो बन कर दीपक चलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन कर दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अशकों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, चलती है लहरा के पवन के सांस सबों की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के सांस सबों की चलती रहे, लोगों ने जीवन त्याग दिए कि प्यार दिलों में पलती रहे, कि प्यार दिलों में पलती रहे, दिलों दिल है जो लोगों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन मधुबन खुशबू देता है। प्यारे दोस्तों, तो हमारा जो संवाद है आपसे यही है, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बनिए, कर्मवीर पुरुषोत्तम बनिए, मानवता की सेवा के लिए प्रभु ने आपको अवतार किया है, उसकी सेवा में लीन हो जाइए। यही मेरा आप सबों से निवेदन होगा, प्रार्थना होगा, प्रेरणा होगा, अच्छा इंसान बनिए। इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। शरीर से स्वस्थ, मन से पवित्र रहिए, आपका जीवन वही होगा जो आप सोचते हैं। आप गलत सोचेंगे तो गलत रास्ते चले जाएंगे, सही सोचेंगे तो सही रास्ते चले जाएंगे। इसीलिए कभी भी सही रास्ते पर चलिए। इंसाफ के डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा नेता तुम्हें हो करते, वो राजनेता नहीं, जिंदगी के सही क्षेत्र में जो नेता होता है वो आपको बनना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।